थिंक बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें, बहुत सारे ब्लैक कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे वाइट कैरेक्टर्स हैं, बट माई कैरेक्टर इज़ क्वाइट शेडी. कह सकते हैं कि ग्रे कैरेक्टर है आंगन का. सारे कैरेक्टर्स के अपने कुछ ग्रजेस हैं उनके अंदर और वो उससे निकल के बाहर आते हैं ज़िंदगी में. मेरा कैरेक्टर इस लिहाज से मुझे बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि एक लव स्टोरी है, रोमांस है, और शायद बहुत आपको कम लगे कम देखने को मिलता है ड्रामों में जबकि लड़कियां खुद से प्रपोज करती हैं. तो या आई रियली लाइक इट. बेसिकली आपने देखा है कि बहुत सारे ड्रामे जो मैं करती हूँ वो किसी इशू बेस्ड होते हैं, सोशल बेस्ड होते हैं. यू नो, बीट ऐसी तन्हाई, मेरी गुड़िया, वो जो सारे ड्रामे थे वो चाइल्ड अब्यूज़ पे थे. लेकिन उसके बाद यू नो आपको एक ब्रेक चाहिए होता है उन चीज़ों से क्योंकि आप इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो आपको वाकई एक ब्रेक चाहिए होता है. तो मैं कहूँगी कि मैंने शायद बहुत कम लव स्टोरीज़ की हैं इस तरह की, लेकिन इतनी इंटेंस लव स्टोरी जो है वो पहली दफ़ा की है आंगन में. मुश्किलात तो वैसे हर कैरेक्टर में आती हैं, लेकिन यहाँ आसानी इस तरह से थी कि जिस तरह से जलन हम अपने कैरेक्टर में, मैं एज एन एक्टर अपने कैरेक्टर में होना चाह रही थी, उसी तरह से पूरा सेट उस कैरेक्टर में था, मेरे वार्डरोब्स उस कैरेक्टर में थे, मेरे डायरेक्टर उस कैरेक्टर में थे, इवन एडीज़ भी जो हमारे होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता किसी भी चीज़ से, वो उन कैरेक्टर्स में थे. तो आई थिंक जब इतना पूरा आपका एनवायरनमेंट और सराउंडिंग उस तरह से बनी होती है तो बहुत हेल्प होती है आपको उस कैरेक्टर में रहने को. तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आई हैं दो, लेकिन एफर्ट तो ऑब्वियसली हर कैरेक्टर के लिए करनी पड़ती है. बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही. मैंने मदिया रिजवी के साथ कभी काम नहीं किया था, मैंने उज़्मा बेग के साथ कभी काम नहीं किया था, आबिद अली के साथ कभी काम नहीं किया था, जेब बापा के साथ कभी काम नहीं किया था, लेकिन एहसन के साथ ऑब्वियसली आई वर्क विद हिम बिफोर एज वेल. लेकिन बाकी जो एक्टर्स हैं कभी काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी, सब इतने कोऑपरेटिव थे, जेब बापा खुद इतनी यू नो बजाते खुद इतनी अच्छी हैं, तो बहुत मज़ा आया. इट वॉज सो मच फन आई मस्ट से. There are two films in pipeline. One is Sorry, जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो गई है, सुहेल जावेद की, एंड the other one is yet to be announced.